जय हिंद बच्चों बच्चों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी, और मैंने आपको पाचक तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी में चित्र या डायग्राम के माध्यम से कुछ ऑर्गन्स को समझाया था, जिसमें से हम सबसे पहला ऑर्गन लेते हैं मुख गुहा, जिसको हम इंग्लिश में ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। जो मुख गुहा होती है बच्चों, वो अंदर से खोखली एक गुहा होती है, कैविटी होती है। परंतु इस कैविटी से भी पहले आपने देखा होगा कि हम मुख किसे कहते हैं। तो मुख या माउथ की डेफिनेशन होती है दो चल होठों को हम माउथ या मुख कहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो होठ हैं वो मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट के आधार पर ही हम मुख की परिभाषा देते हैं। तो मुख जो होता है वो कुछ नहीं, दो चल जो होठ हैं उन्हीं को मुख कहते हैं। या आप दूसरी भाषा बोल सकते हो कि स्लिट्स लाइक ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। तो आपके जो होठ हैं, जगह अगर आप इनको बंद कर लोगे, इनका मूवमेंट नहीं करोगे, तो आप देखोगे इनके बीच में एक दरारनुमा संरचना बनती है, और इस दरारनुमा संरचना को हम माउथ या मुख कहते हैं। जैसे आप इस माउथ को ओपन करोगे या मुख को ओपन करोगे, तो आप देखोगे कि हमारे मुख के अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिस गुहा को हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या इसको मुख गुहा कहते हैं। और उस मुख गुहा के अंदर तीन प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक तो उस मुख गुहा के अंदर आपकी सेलिवरी ग्लैंड होती है, दूसरी आपकी जीभ होती है जिसको हम टंग कहते हैं, और तीसरा आपका टीथ होता है जिसको हम दांत कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओरल कैविटी में उपस्थित होता है। तो बच्चों, ओरल कैविटी में क्या क्या उपस्थित होता है? तो ओरल कैविटी में आपकी जीभ उपस्थित होती है, आपके दांत उपस्थित होते हैं, और लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जीभ को हम इंग्लिश में टंग कहते हैं, दांत को टीथ कहते हैं, और लार ग्रंथियों को सेलेवरी ग्लैंड कहते हैं। और इसमें से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। जो जीभ होती है बच्चों, वो क्या है? वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो हमारी जीभ है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसको हम मांसपेशी अंग भी कहते हैं। और हमारी जो जीभ है वो मुक्त रूप से गति करती है। तो इसलिए मुक्त रूप से गति करने वाला मस्कुलर ऑर्गन या मांसपेशी अंग क्या कहलाता है? जीभ या टंग कहलाता है। और जीभ पर आप देखोगे तो छोटे छोटे उभार भी पाए जाते हैं, और उन छोटे छोटे उभार को हम पेपिले कहते हैं। और उन पेपिलों पर, सभी पेपिलों पर नहीं बच्चों, उनमें से कुछ पेपिलों पर टेस्ट बड पाई जाती हैं, जिनको हम स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। और जो हमारी टंग है, जीभ है, आप देखोगे बच्चों, जब ओरल कैविटी को आप ओपन करते हो, और ओपन करने के बाद जो टंग उसमें प्रेजेंट है, उस टंग को आप उल्टा करके देखना। जब आप उसको उल्टा करके देखोगे तो आपको एक मेम्ब्रेन टाइप में जुड़ी हुई दिखाई देगी, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लिंगुआ फर्नुलम। तो हमारी जो टंग है या जो जीभ है वो लिंगुआ फर्नुलम द्वारा हमारी ओरल कैविटी में अटैच होती है। तो हमने बेटा जानकारी हासिल की कि जो जीभ है वो कैसा ऑर्गन है? एक मांसपेशी अंग है। जो जीभ है ये ओरल कैविटी में किसके द्वारा अटैच होता है? तो जीभ हमारा ओरल कैविटी में लिंगुआ फर्नुलम द्वारा अटैच होता है। जब आप अपनी जीभ को आईने में देखते हो, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो जीभ है या टंग है उस पर छोटे छोटे रेड कलर के उभार पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे रेड कलर के उभारों को या प्रोजेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं पेपिले। और उन पेपिलों में से कुछ पेपिलों पर टेस्ट बड पाई जाती हैं, और इन टेस्ट बड को हम बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। और जो हम कोई भी खाना खाते हैं, जब भोजन में, जैसे आप कोई भी टाइप्स का खाना ले लो, तो उसका हमें, आपने देखा होगा कि हमारी टंग पर टेस्ट आता है। जैसे आप शुगर खाते हो तो उसका मीठा टेस्ट आता है, जैसे आप करेले खाते हो तो उसका कड़वा टेस्ट आता है, जैसे आप दही खाते हो तो उसका खट्टा टेस्ट आता है। तो ये टेस्ट किस वजह से आता है? तो बच्चों, ये टेस्ट आता है पेपिले की वजह से। क्यों आता है? तो मैंने आपको बताया कि बच्चों, जो पेपिले होते हैं उनमें से कुछ पेपिलों पर, सभी पेपिलों में नहीं, उनमें से कुछ पेपिलों में ही टेस्ट बड पाई जाती हैं।
और ये टेस्ट वर्ड जो होती हैं इनको हम हिंदी में स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो किसका अनुभव कराएंगी बच्चों? तो वो अनुभव कराएंगी टेस्ट का या स्वाद का। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि टेस्ट वर्ड जो होती हैं उनको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, और स्वाद कलिकाएं मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के टेस्टों का अध्ययन कराती हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्ट के बारे में जानकारी देती हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों अब हम जीव का चित्र देखते हैं, जीव के फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा जीव का जो चित्र बनाया हमने, इसमें देखते हैं कि हमारी जो टंग होती है, इस पूरी टंग पर या जीव पर आप देख रहे हो मैंने रेड कलर में छोटे छोटे उबार बनाए हैं, और इन उबारों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन उबारों को बोलते हैं हम पैपिले। तो मैंने आपको बताया था कि जो टंग या जीव होती है उस संपूर्ण जीव पर या टंग पर छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं जो रेड कलर के या लाल कलर के होते हैं। इन उबारों को हम पैपिले कहते हैं। इस पैपिले को अगर हम देखें तो इस पैपिले के अंदर देखें तो इसके अंदर पाई जाती है बच्चों टेस्ट वर्ड, परंतु सभी पैपिलों पर टेस्ट वर्ड नहीं पाई जाती, कुछ पैपिलों पर ही टेस्ट वर्ड पाई जाती हैं। और इन टेस्ट वर्ड के कारण ही हमारी जो टंग या जीव है हमें विभिन्न प्रकार का स्वाद देती है या स्वाद का अनुभव कराती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो अग्रभाग होता है हमारी टंग का, इस अग्रभाग पर मीठा स्वाद या मीठे स्वाद का अनुभव कराती है हमारी टंग। तो मीठे स्वाद का जो अनुभव होता है वो होता है अग्रभाग में। इसके बाद आप चलोगे आगे पीछे की तरफ टंग पर तो आप देखोगे जो बगल वाला पार्ट्स है, तो बगल वाले पार्ट्स में जो बगल वाला भाग है आप में उसको किस तरीके का स्वाद मिलेगा? नमकीन या खट्टा स्वाद पाया जाता है। तो जीभ जो होती है उसके बगल वाले भाग में कौन सा स्वाद पाया जाता है बच्चों? तो इसमें मिलता है नमकीन या खट्टा स्वाद। इसके बाद देखोगे आप कि जो टंग होती है, टंग का जो मध्य भाग होता है, बीच वाला पार्ट होता है, तो उसमें आप किस स्वाद का अनुभव कर सकते हैं? प्याज या लहसुन का स्वाद आप अनुभव कर सकते हो। और इसके बाद आप लास्ट पीछे वाले भाग में पहुंचोगे, पश्च भाग में, तो पश्च भाग में स्वाद का अनुभव होता है कड़वा। तो बच्चों हमने टंग में समझा कि टंग में जो होते हैं रेड कलर के छोटे छोटे पैपिले पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ पैपिलों के अंदर टेस्ट वर्ड उपस्थित होती हैं, और ये टेस्ट वर्ड ही हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है उस पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के अग्रभाग से थोड़ा सा पीछे चलें तो बगल वाले भाग पर हमें नमकीन और खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, और जीभ के मध्य भाग में चलें तो हमें टेस्ट आता है प्याज या लहसुन का, और जीभ के जस्ट सबसे लास्ट वाले पीछे वाले भाग में चलें तो हमें अनुभव होता है कड़वे स्वाद का। परंतु बच्चों आपने देखा होगा कि जो आप मिर्ची खाते हो, तो कुछ बच्चे आंसर देते हैं कि मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बच्चों जो मिर्ची होती है वो आपको कैसा टेस्ट देती है? तो बच्चे बोलते हैं वो कड़वा टेस्ट देती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक रोचक जानकारी देता हूँ कि बच्चे जो मिर्ची होती है वो हमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं देती। मिर्ची के अंदर कड़वा टेस्ट नहीं होता, क्योंकि मिर्ची के अंदर तीखापन होता है, वो हमारी कोशिकाओं को वर्ण करती है, जलन करती है, कि जिसकी वजह से हमारे मुंह से म्यूकस सिक्रीट होता है परंतु उसका कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो मिर्ची होती है उसके अंदर कैप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण हमारे जीव पर वर्निंग होती है। वर्निंग कोई टेस्ट नहीं, एक जलन टाइप का महसूस होता है। परंतु आपने देखा होगा जो करेले होते हैं, तो करेलों के अंदर एक टेस्ट प्रेजेंट होता है, वह टेस्ट होता है कड़वा। तो हम कह सकते हैं कि जो मिर्ची होती है वो हमें कोई टेस्ट नहीं देती, बस वो बर्निंग करती है,
परंतु जो करेला होता है वो कड़वा होता है और उसका टेस्ट हमारी टंग पर आता है। तो इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हमारी जो टंग है उस पर पैपिले पाए जाते हैं। इन पैपिलों में से कुछ पैपिलों पर टेस्ट बड उपस्थित होती है और ये टेस्ट बड जो हैं हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती हैं। जो अग्रभाग होता है उसमें हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। अग्रभाग से थोड़ा सा पीछे चलें बगल वाले भाग में तो उसमें हमें नमकीन या खट्टे स्वाद का अनुभव होता है और इसके मध्य में चलें तो मध्य भाग में हमें प्याज या लहसुन के स्वाद का अनुभव होता है और जस्ट पीछे चलते हैं पश्चिम भाग में तो उसमें हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। बच्चों आप इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे आप विभिन्न प्रकार के फूड्स को अपनी जीव पर रख रख के देखोगे, अगर आप अपनी जीव को बाहर आउट करते हो हल्का सा और अग्रभाग पर आप कुछ शर्करा रखते हो तो आप पाओगे कि शर्करा का स्वाद आता है, परंतु जब अग्रभाग पर आप शर्करा के अलावा नमकीन या अदर जैसे खट्टा दही है आप उसको रखोगे तो उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रैक्टिकल को आप अगर जीव को और आउट करके बगल वाले भाग में अगर आप शर्करा को रखे देखोगे तो वहाँ पर भी कोई शर्करा का टेस्ट नहीं आएगा, परंतु अगर उसी भाग पर आप नमकीन या खट्टा रख के देखोगे तो उसका टेस्ट आने लगता है। तो इस प्रकार से आप जीभ के विभिन्न पार्टों पर फूड का विभिन्न प्रकार से रखकर टेस्ट का अनुभव कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आपको टंग के बारे में, स्वाद के बारे में आपको स्टडी कराई। अब बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस यहीं रुकते हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगले लेक्चर से स्टार्टिंग करेंगे और उसमें अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टीथ। धन्यवाद बच्चों।